हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी। घेवर बहुत ही टेस्टी लगता है और सावन में ही आता है। अब घेवर खाने के लिए हमें सावन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब भी मन करे आप घर में ही बहुत ही आसानी से एकदम हलवाई स्टाइल घेवर बना सकते हैं और जब भी मन करे इसको बनाओ और खाइए। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और एक टेबलस्पून लिया है बड़ा वाला चम्मच, और इसमें बाउल में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून घी, और घी हमें मेल्टेड ही लेना है, जमा हुआ नहीं लेना है। और उस घी में हम डालेंगे 6 से 8 आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने के बाद इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हाथ से ही फेंटना है तो घी हमारा थोड़ा थोड़ा जमने लग जाएगा। अभी हमारा घी एकदम येल्लो येल्लो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका कलर लाइट हो चुका है और इसको हम अच्छे से फेंटेंगे तो एकदम लाइट हो जाएगा। ये अभी प्रोसेस हमारा होने लग गया है। इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 मिनट हमारे लग जाते हैं, और आइस के साथ ही हमें इसको करना है अच्छे से। ये हमारा घी एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से मिक्स हुआ है, एकदम से क्रीमी फॉर्म में आने लग गया है। ये कलर भी एकदम इसका वाइट हो चुका है। पहले एकदम येल्लो येल्लो घी था हमारा, अब एकदम से ये हमारा वाइट दिख रहा है एकदम से, और बहुत ही लाइट हो गया है, एकदम से फ्लफी सा क्रीमी टेक्सचर आ गया है। इसी स्टेज पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, और उसमें से हमें थोड़ा सा मैदा इसमें हम मिक्स करेंगे, पूरा हमें एक साथ नहीं डालना है। और हमने अभी इसमें कुछ और मिक्स नहीं करा है, इसके साथ हम अच्छे से इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, और यह पानी की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है और ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। थोड़ा सा और मैदा हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, हाथ से इसको ऐसे ही मिक्स करना है आइस के साथ। आइस हम इसमें ज़रूर यूज़ करना है, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा मैदा हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे। अब हमारा थोड़ा थिक हो चुका है तो मैंने इसमें लिया है मिल्क। ये मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, और उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मिल्क डाला है। और जो मिल्क मैंने लिया है वो लिया है रूम टेम्परेचर का, ना तो हमने गर्म मिल्क लेना है और ना ही हमें ठंडा लेना है, ये मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। अब बाकी की बची हुई मैदा भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको इसी तरीके से हाथ से हम मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क इसमें हम ऐड करते जाएंगे। अभी हमारा बहुत थिक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा मिल्क हमें करके ही ऐड करना है, जिससे कि हमारे इसमें लम्स ना बने। और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन डाल के इसको मिक्स कर लेना है, और लगभग 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही फेंटना है जिससे हमारा मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क लिया है, अब मिल्क मैंने ठंडा लिया है इसमें मिक्स करने के लिए, मेरा रूम टेम्परेचर का था तो मैंने उसमें आइस डाल दिया है। इसमें आप ठंडा ही मिल्क यूज़ करें अब, और इसमें आइस डायरेक्ट ना डालें, आइस डालने पर बैटर हमारा ये ख़राब हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ मिल्क भी मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। पूरा मिल्क डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। एकदम क्रीमी फॉर्म में ये आ गया है, एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ गया है, शाइनी शाइनी सा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने वाटर भी एक साथ ना डालें वरना लम्स हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसे हाथ से मिक्स करेंगे और वाटर ऐड करेंगे। इस तरीके से मैंने पूरा 1 कप वाटर इसमें यूज़ किया है। 1/2 कप मैंने मिल्क लिया था और 1 कप मैंने लिया है वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको चेक करेंगे तो इसको देखेंगे कि इस पे एक बहुत पतली सी लेयर आई है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बहुत पतली सी लेयर इसकी आनी चाहिए। अभी हमारा रेडी है तो हम इसको छलनी की हेल्प से छान लेंगे, जिससे इसमें जो थोड़े बहुत जो लम्स रह गए थे वो हमारा एकदम बैटर हमारा क्लियर हो जाए, लम्स हमारे निकल जाए। अब ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम रखेंगे आइस वाटर में, इसको डायरेक्ट नहीं रखना है, बैटर हमारा ठंडा ही रखना है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, ये मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया है, लेकिन इसमें 1 टेबलस्पून करना है। और बैटर हमारा ठंडा ही रखना है तो उसमें मैंने ठंडा वाटर लिया है, और उसमें आइस क्यूब डाल के उसके ऊपर मैंने इसको बाउल को रखा है। अब मैंने एक ही चाय वाला भुगोना लिया है, उसी में हम इसको बनाएंगे। ऑयल गरम कर लिया था मैंने, और जो भी हम बर्तन यूज़ करें उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। उसको आधा मैंने ऑयल से फिल करा था और तेज़ गरम ऑयल करा, और उसको ऊपर से 1-1 चम्मच के करीब इसमें हम बीच में ही सेंटर में ही हमें इसमें इस बैटर को डालना है,
थोड़ा सा डालना है, फिर उसको पकाना है थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरीके से हम डालते जाएंगे, जैसे हल्का सा ब्राउन लगे तो एक चम्मच और डालिएगा। और फ्लेम हमें हाई ही रखना है, इसको हमें स्लो नहीं करना है बिल्कुल भी। सेंटर से नाइफ से मैंने इसमें थोड़ा होल कर दिया है सेंटर में, और उस होल में ही हम इस बैटर को डालते चले जाएंगे। ऐसा प्रोसेस हमें लगभग 10 बार इस प्रोसेस को करेंगे, इससे हमारा जो घेवर है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। बहुत पतला नहीं है, मैंने बहुत पतला भी नहीं बनाया, बहुत मोटा भी नहीं बनाया, कि मीडियम साइज़ का घेवर बनाया है। और इसको नाइफ की हेल्प से साइड से हटा देंगे, और थोड़ा सा नीचे करके जो ऊपर की लेयर हल्का सा जो नहीं सिकी होगी वो भी सिक जाएगी। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इसको हमें एक प्लेट में निकालना है। स्टैंड पे भी रख सकते हैं, जिससे इसका एक्सेस ऑयल जो था, एक्स्ट्रा ऑयल, वो सब निकल जाए। और इसी तरीके से हम दूसरा घेवर तैयार करते हैं। फ्लेम मैंने हाई रखा है, फ्लेम बिल्कुल भी स्लो मत करिएगा, और बैटर हमें एकदम चिल्ड रखना है अपना, और सेंटर में और थोड़ा ऊपर हाइट से ही इसको डालना है, नीचे से नहीं डालना है। जितना ऊपर हाइट से डालोगे उतना ही हमारा जो जाली है वो बहुत अच्छी बनेगी। इसमें एक एक चम्मच करके इसमें हम डालते रहेंगे हाई फ्लेम पर, वो सिक जाता है एकदम से, एकदम बबल फॉर्म में आके ऊपर वो सेट हो जाता है हमारा। इसको अच्छे से इसी प्रकार इसमें डालेंगे, बहुत अच्छे से हमारा घेवर बन रहा है। इसी प्रोसेस को 8 से 10 बार हमें इसमें करना है, और बहुत ही अच्छे से ये परफेक्ट हमारा घेवर इसमें बन जाएगा। आप इस प्रोसेस से घेवर बनाएंगे तो आपका घेवर कभी ख़राब नहीं होगा, 100% ये रेसिपी बहुत ही अच्छे इस तरीके से घेवर बनेगा हमारा। नाइफ से बीच में थोड़ा होल कर दिया है, और बीच में ही इसमें होल में ही हमें अपना जो बैटर था उसको हम डालते रहेंगे। घेवर डालने के बाद अब यह मैंने इसमें डाल दिया, नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा इसको साइड से हटाएंगे, और इसको हम थोड़ा सा ना नीचे दबा देंगे, जिससे कि इसका ऊपर का लेयर ना वो भी हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, हल्का सा जो कच्चापन होगा वो भी सिक जाए। तो मैंने फोक से इसको दबा दिया है, हल्का सा नीचे पहुँच गया है, और सिकने के बाद ही बहुत ही आराम से हमारा इसमें से निकल जाता है। बहुत ही अच्छा घेवर बना है, बहुत ही परफेक्ट एकदम जाली आई है इसमें। और इसको हम ऐसे ही स्टैंड के ऊपर रख देंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, या फिर आप टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी, और उसमें मैंने डाला है 1/2 कप पानी। इसको हम पकाएंगे बॉईल आने तक। चाशनी भी हमारी बहुत ज़्यादा, मतलब उसको नहीं पकाना है, 5 मिनट्स में हमारी बन जाती है। चीनी घुलने के बाद मैंने इसमें वो इलायची लिया, इलायची को कूट के इसका पाउडर सब बना के हल्का दरदरा करके इसमें डाल दिया है, और चाशनी लगभग हमारी तैयार है। देखेंगे इसमें हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, इसमें 1 तार आ गया, एकदम परफेक्ट चाशनी हमारी रेडी है। गैस ऑफ करके चाशनी को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, कि जब तक हमारी चाशनी ठंडी होगी। बहुत ही अच्छी एकदम परफेक्ट चाशनी बनी है, बहुत जल्दी बन जाती है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसके लिए बनाते हैं रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है, और दूध मेरा हल्का सा ल्यूक फॉर्म हो चुका है, तो उस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 2 पैकेट मिल्क पाउडर के। ये 10 रुपीज़ वाले मिल्क पाउडर के पैकेट मैंने इसमें ऐड करे हैं। अगर आपके पास हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और तब इसकी रबड़ी बनाएं, उस टाइम पे आप दूध की क्वांटिटी डबल कर दें। दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है, इसी स्टेज पे डालेंगे इसमें मलाई। ये मैंने फ्रेश मलाई लिया है, और ये लगभग 1/2 कप के करीब मलाई है। इसमें हम पूरा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, इससे हमारी जो रबड़ी है वो बहुत जल्दी बन जाएगी, और एकदम क्रीमी हमारा टेक्सचर आ जाएगा। इसको साइड से हटाते हुए इसको पकाएंगे, जिससे कि हमारी जो साइड में रबड़ी जले नहीं। और इसको हाई फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए इसी तरीके से बना लेंगे। रबड़ी बनना हमारा स्टार्ट हो गई है, और कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड करा था, वो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और ये रबड़ी हमारी रेडी है, गैस को ऑफ कर देंगे, और मैं इसमें 2 ड्रॉप डालूंगी येलो फूड कलर के, जिससे इसका हल्का सा येलो कलर आ जाए, तो रबड़ी हमारी देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और ये रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये घेवर लेते हैं, और उसको मैंने स्टैंड पर रखा है, और स्पून की हेल्प से जो हमने चाशनी बनाई थी, चाशनी हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है। स्पून की हेल्प से इस पर डालेंगे, उसके ऊपर दूसरा घेवर रख के उसके ऊपर चाशनी डालेंगे। इसी तरीके से एक के ऊपर रखते हुए सारे घेवर्स पर हम चाशनी डालते रहेंगे। इससे जो इसके अंदर की एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो बाहर नीचे निकल जाएगी प्लेट में,
और हम घेवर हमारा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा, और इसका स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चाशनी ज़्यादा डालें वरना कम डालें। और ये हमारी रबड़ी भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, इस पर हम रबड़ी की लेयर लगाएंगे। आप फ्रेंड्स इसको बिना रबड़ी के भी खा सकते हैं, इसी तरीके से घेवर बहुत टेस्टी लगता है और रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं। रबड़ी से भी इसका टेस्ट एकदम अलग हो जाता है। स्पून की हेल्प से पूरे घेवर पर रबड़ी को हम अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है इसको। इसको पूरा हमें ऊपर से कवर कर देना है और इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपने पसंद के ले सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ता लिया है और पूरे पर मैं पिस्ता अच्छे से डालूंगी। ड्राई फ्रूट से भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। और ये मेरे पास सिल्वर फ्लेक्स है, थोड़ा सा इसको लगा देंगे, इससे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है घेवर, एकदम हलवाई जैसा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी हमारा बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही आसान से तरीके से। और इस तरीके से आप बनाओगे तो कभी भी आपका घेवर ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से। और ये घेवर हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, देखने में भी बहुत ही यम्मी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा घेवर बना है, एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल। फ्रेंड्स आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने घर पर आने वाले गेस्ट, अपने बच्चों को और अपने त्योहारों पर इसको ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।